के बन के रेडी हो गया है ये। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में एज यूजुअली व्यस्त होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर बटर मसाला, तो चलिए मेरे साथ। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स। ये हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो है तेज पत्ता, कुछ दाने काजू के, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन 3 से 4, और 2 मैंने ली हैं छोटी इलायची, और साथ में काली मिर्च के दाने लिए हैं 4 से 5, और ये है कलमी जिसको आप दालचीनी भी शायद कहते हैं। 3 मैंने प्याज लिए हैं मीडियम साइज के, इसको चॉप कर लिया है। 3 मैंने प्याज काट लिए हैं छोटे साइज के, और 3 ही मैंने टमाटर जो हैं इसको भी कट करके इस तरह से रख लिया है। अब मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए यहाँ पे रख दिया है। इसमें मैंने 2 चम्मच बड़े ऑयल डाला है और इसमें मैं 2 चम्मच ही बटर डालूंगी। ये मैंने अमूल का बटर लिया है। अब इसमें से मैंने तेज पत्ता अलग करके बाकी सारे जो सूखे मसाले हैं वो मैंने इसमें ऐड ऑन कर लिए हैं और मैं इसको भूनूंगी। इसमें मैंने ये कटे हुए जो मैंने काट के रखे थे प्याज वो भी साथ में डाल लिए हैं। फ्लेम हमारी तेज है इसमें, तो थोड़ा थोड़ा हिलाते जाइए। और साथ में मैंने ये जो कट किए हुए थे टोमेटोज वो भी डाल दिए। मैंने 5 से 10 मिनट के लिए ढक के रख दिया है मीडियम फ्लेम पे। तो इसमें टमाटो जो डाले हैं मैंने वो सॉफ्ट नहीं हो जाए तब तक इसको ढका रहने दीजिए। ये देखिए अब हमारा जो खड़े मसाला था ये और प्याज और टमाटर जो मैंने डाले थे इसमें, ये अच्छे से गल गए हैं। अब इसको गैस को हमें बंद कर देना है और इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रखना है, और ठंडा होने के बाद इसको हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है और इसका फाइन पेस्ट बना लेना है। हमने वो मसाला पीस लिया है और मैंने फिर से वही कढ़ाई को रख लिया है, और इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच ऑयल, कुकिंग ऑयल, और इसमें मैं डालूंगी सेम प्रोसीजर में 2 चम्मच बटर। फ्लेम मैंने थोड़ी हाई कर दी है। अब मैं इसमें डालूंगी तेज पत्ता जो हमने पहले से रखा हुआ है। एक मैंने बड़ी मिर्च ली है हरी, वो मैंने इस तरह से काट ली है, और अब मैं इसमें चॉप किए हुए ओनियन सब डाल दूंगी। मैं इसमें डाल दूंगी सूखे मसाले। मैंने इसमें ले लिया है नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने ये सब चीज़ें लेनी है। नमक है, हल्दी लिया है मैंने, गरम मसाला, सूखा धनिया और लाल मिर्च, मैंने सब इसमें ऐड कर दिया। डाल रही हूँ मसाला जो ग्राइंड कर लिया था हमने। फ्लेम आपने मीडियम कर देनी है अभी इस टाइम पे। इसमें हम थोड़ा पानी डाल करके इसको निकाल लेंगे, करके भी मैंने इसमें ये सारा ऐड कर लिया है। ये देखिए इसका कलर किस तरह से आ रहा है, जैसे कि आप किसी बहुत बड़े रेस्टोरेंट में या अच्छे ढाबे में आप मंगाते हैं जब शाही पनीर या फिर पनीर टिक्का या फिर पनीर का कोई भी आइटम। कलर बहुत अच्छा आ गया है। अब मैंने इसमें बड़े चम्मच 1 कसूरी मेथी लिया है और इसको मैं अच्छे से हाथों से मसल के इसमें डालूंगी। ये देखिए अब मैं इसमें फ्रेश क्रीम डालूंगी। फ्रेश क्रीम मैंने ली है अमूल की। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप दूध में से जो मलाई निकलती है वो भी आप 1 चम्मच डाल सकते हैं, इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो मैंने ये 1 बड़ा चम्मच के करीब फ्रेश क्रीम ले ली है, वो भी इसमें ऐड ऑन कर दिया है। ये देखिए अब हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो इस टाइप से हो गई है, ना ज़्यादा गाढ़ी है ना ज़्यादा, मतलब ग्रेवी अच्छी सी हो गई है, जितनी आपको बाकी चाहिए आप इसको कर सकते हैं उतना। और अब मैं इसमें डालूंगी पनीर। पनीर मैं ले रही हूँ यहाँ पे 200 ग्राम, जो कि मेरा यहाँ पे मैंने पनीर लिया है लोटस का है ये,
क्योंकि हमारे यहाँ तो लोटस का और उसका अमूल का दोनों मिलते हैं, लेकिन अभी मेरे पास लोटस का पनीर है तो मैं ये 200 ग्राम इसमें कट करके इस तरह से इसको ऐड कर रही हूँ। ये देखिए हमारा ये बंद करके रेडी हो गया है। अब गैस को मैं कर रही हूँ बंद और इसको मैं बाउल में अब सर्व के लिए डालूंगी। देखिए बन के रेडी हो गया है ये। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, इसमें से आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, थम्स अप एक बनता ही है और मुझे मोटिवेशन भी मिलता है और इससे मैं और भी अच्छी अच्छी चीज़ें बना के आपको दिखाऊंगी। इस व्लॉग में आपसे फिर मिलती हूँ। टिल देन स्टे सेफ स्टे होम।